हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से आज जलपल्ली चंद्रायनगुट्टा डिवीज़न गौसनगर इलाकों में मुजतबा हसन अस्कारी की हिदायत पर कोऑर्डिनेटर नेहा बेगम की निगरानी में मुस्तहिक गरीब गुरबा में ज़रूरी अशिया के 30 पैकेट्स तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने मुस्तहिक ज़रूरतमंद अवाम जैसे मेडिकल हेल्प, राशन के मसाइल की मदद हो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन पर राबता कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के नीचे दिए गए नंबरात पर राबता कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने मज़ीद हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से जुड़ी मज़ीद सर्विसेज के बारे में बताया। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की ये रिपोर्ट। हाँ सुल्तान सर, मतलब कुछ नहीं पका। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ इधर देखो, यहाँ जी भाई पकड़ लो, आ रहा आ रहा यहाँ बाहर कैसे आ रहा हूँ, वो भेजूँ लेडी को भेजूँ कल की, ये अच्छी बात है। इधर देखिए, हम लोग हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से है, गरीब लोगों को हम लोग मदद करने के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ पर के जलपल्ली गौस नगर यहाँ के एरियो के बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए हम लोग उन लोग को बुला कर तकसीम करें। 30 पैकेट्स का तकसीम हुआ, ये मुजतबा हसन अस्करी के तरफ से हो रहा है, एनजीओ से, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से। लोगों को कुछ चीज़ की मदद होना है या कुछ चीज़ की हेल्प होना है तो हम लोग का यूट्यूब पे हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का लिंक है, उस पर जाके आप हर चीज़ की हेल्प ले सकते। कॉन्टैक्ट नंबर भी है उस पर, या कुछ ट्रीटमेंट लेना है या कुछ फाइनेंशियल हेल्प होना है आपको हर कभी भी, या मेडिसिन के लिए कुछ हेल्प होना है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो हर चीज की हेल्प करते हैं हम लोग। लॉकडाउन के बाद भी आप लोग हेल्प करेंगे? जी हाँ, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग ये 10 ईयर्स से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और लॉकडाउन की तरफ से और ज्यादा हम लोग हेल्प करना कर रहे पेशेंट्स को। और जो पेशेंट्स हैं उन लोग अगर घर से नहीं निकल सक रहे, अगर कुछ परेशानी है तो हम लोग के नंबर यूट्यूब पे है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, उन लोग को कॉन्टेक्ट करके उन लोग की हेल्प ले। हमारे एचएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।